हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है 20 मोटिवेटिंग थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपनी लाइफ में कौन से प्रिंसिपल्स अपनाए थे, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये सारे थॉट्स मैंने मोटिवेटिंग थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इस बुक से लिए हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर वीडियो में हम लोग 5-5 पॉइंट्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फिफ्थ इज आत्मान। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, थिंक अबाउट योर बॉडी, अपने शरीर के बारे में सोचो, ये कितना मजबूत, कितना स्वस्थ है। ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हमें नेचर से मिला है। इसकी हेल्प से हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। अपने आप को बताओ कि इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी बॉडी से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत से पार हो सकते हैं, किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। बस खुद को ये बिलीव दिलाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 4th की तरफ। नंबर 4 इज बिगिनिंग। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ स्मॉल बिगिनिंग, ग्रेट थिंग्स कम आफ्टरवर्ड। हम लोगों को छोटी शुरुआत से नहीं डरना चाहिए, बड़ी चीजें अक्सर देर में हुआ करती हैं। नंबर 3 इज काम, यानी कि शांत रहना। शांत रहना हर सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी भी लेक यानी कि झील के तल को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो लहरों से ढकी होती है। हम उसके तल की झलक तभी देख सकते हैं जब वो शांत हो। वैसे ही हम अपनी रियल पावर को तब तक नहीं देख सकते जब तक हम शांत ना हो। हर सिचुएशन में शांत रहने की प्रैक्टिस करें, जिससे हम लोग अपनी रियल पावर को पहचान सकें, और हर काम को शांत होकर करें, जिससे हम लोग उसके बेटर रिजल्ट्स पा सकें। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियाँ। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ कभी भी खराब या अच्छी नहीं होती हैं। ये हम लोग हैं जो उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। हमारे हाथ में है कि हम किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में क्या कर सकते। तो अपने सर्कमस्टेंसेस को बुरा कहना बंद करिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 इज बॉडी। 3 बेस्ट गिफ्ट जो हमें ईश्वर से मिले हैं, ह्यूमन बॉडी, डिजायर टू बी फ्री और हमारी सोल। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम कुछ भी करने के केपेबल हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी, अपने माइंड का सही इस्तेमाल करिए और जो भी चीज आपको चाहिए उसको हासिल करिए। मुझे 5 पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज के ये 5 पॉइंट हैं, आत्मान, बिगिनिंग, काम, सर्कमस्टेंसेस और बॉडी। मोटिवेटिंग थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद ये बुक आप बहुत कुछ सिखा देगी। अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी स्पिरिट का सही इस्तेमाल, जो हम लोग नहीं करते हैं, ये आपको करना सिखा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।